हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFS। तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर चलती होंगी कि मैं अगर MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, अलग बात है IIT जैम के थ्रू IITs में एडमिशन मिलता है, वहीं से UET PG के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर अदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो दोनों अगर MSc एंट्रेंस ही है तो क्या दोनों की तैयारी की स्ट्रैटेजी भी सेम ही रहनी चाहिए? ये सवाल ज़रूर होगा आपके मन में। कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने मन में ये सोच भी लिया होगा कि नहीं, एक ही जैसा होगा, पढ़ते हैं करते हैं तैयारी। तो देखो दोस्तों, एग्जाम अगर डिफरेंट है तो कुछ तो डिफरेंट होगा दोनों एग्जाम में ना, है ना। 100% सेम अगर होता तो फिर दो एग्जाम करवाए ही क्यों जाते, किसी के रैंक को लेकर के, और उधर भी एडमिशन वगैरह ले लिए जाते, है ना। तो कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पे, कुछ छोटे से बारीक डिफरेंस को देखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीज आपके लिए, वो क्या है कि जो बच्चे 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 के MSc एंट्रेंस, चाहे वो IIT जैम के थ्रू हो, CUET के थ्रू हो, जैसे भी अगर वो MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए IFS ने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स तीनों ही डिपार्टमेंट में फ्लैट 50% ऑफ दिया है हमारी एक्सक्लूसिव लाइव बैचेस पे, जो कि अभी चल रही हैं और 13th of May से बेसिकली स्टार्ट हुई। अभी हाल में 2-3 दिन हुए हैं स्टार्ट हुए, अब चाहें तो अभी से इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम को बहुत ही अच्छे मार्क्स, बहुत ही अच्छे रैंक, टॉप रैंक से आप क्वालिफाई करें दोस्तों। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर हम आते हैं अपने मुद्दे पर, जिस पे हम बात कर रहे थे कि क्या दोनों ही एग्जाम IIT जैम और CUET दोनों की स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी क्या। तो देखो, सबसे पहले चीज आपको क्या देखनी है कि जो एग्जाम है आखिर उसका सिलेबस क्या है, दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं IFS की वेबसाइट पे। चलते हैं वेबसाइट पे, आ गए, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है, आप भी फोन नंबर डाल के लॉग इन कर लेना। फिर हम यहाँ, जैसे IIT जैम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नहीं भी होता तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते तो IFS जो भी कोर्सेज रन करवाता है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर मैं शुरुआत IIT जैम से करता हूँ। तो चलो IIT जैम सेलेक्ट किया और हम इसके सिलेबस पे चलते हैं, ठीक है। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, सिलेबस। सिलेबस किधर है, यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक किया मैंने। तो अभी देखोगे तो यहाँ पे सिलेबस को बेसिकली 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है, रियल एनालिसिस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। तो रियल एनालिसिस में क्या सब पढ़ना है हमें, इसमें सीक्वेंस सीरीज ऑफ रियल नंबर पढ़ना है और फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, जिसमें कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी रिलेटेड प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी आपसे। वहीं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बेसिकली कह लीजिए, या फिर 2 और 3 वेरिएबल कहिए, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन का सेगमेंट रहेगा आपके पास। और लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या है, लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिसेस, उनकी प्रॉपर्टी, रैंक, नलिटी, आइगन वैल्यूज वगैरह के बारे में। फिर वेक्टर स्पेस में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली फाइनाइट डायमेंशन पे बात करनी रहेगी हमें। और ग्रुप थ्योरी में बात किया जाए तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप हैं, अबेलियन, साइक्लिक, नॉन अबेलियन सारे, उनके सब ग्रुप्स, जिसमें कि हम स्पेशली नॉर्मल सब ग्रुप का भी डिस्कशन करते हैं, होमोमॉर्फिज्म वगैरह भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये जो सिलेबस है, ये IIT जैम का सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे वापस और फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में हम लोग CUET PG सेलेक्ट करेंगे और फिर मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर हम लोग चलेंगे सिलेबस की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस कितना सारा है, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग IIT जैम में नहीं पढ़ना है, CUET PG में पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा आ गया। वेक्टर कैलकुलस IIT जैम में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है, ये भी एक्स्ट्रा है। डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, वहाँ भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था आपके पास, ठीक है। फिर हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो ये तो दोनों ही जगह पढ़ना है। फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है, IIT जैम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं पढ़ने मिलेगा। फिर रियल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे रियल एनालिसिस का सिलेबस देखोगे तो, और वहाँ के रियलिस का सिलेबस देखोगे तो वो लगभग कहीं ना कहीं IIT जैम के सिलेबस में ही थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है, CUET PG में थोड़ा कम पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा अलजेब्रा की अगर बात करोगे तो वहाँ पे अलजेब्रा में जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस यहाँ पे भी है। यहाँ पे लिखा हुआ डेटा जरूर थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सिलेबस दोनों सेम ही कवर करते हैं, ठीक है। डेटा बस आपको दिखने में ज्यादा लगेगा बट सिलेबस होगा, जैसे कि आप ग्रुप थ्योरी में देखोगे IIT जैम के सिलेबस में साइलो लिखा हुआ नहीं है, फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जो कि साइलो से सॉल्व होंगे बड़े आराम से, है ना।
तो आप वहां से देख सकते हो उसे। तो अब सिलेबस की बात करी जाए तो आप देख सकते हो कि सीयूटी पीजी में अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, जो कंटेंट दिखने में लग रहा है वो आपको ज्यादा दिया गया है, ये बात है। तो सिलेबस तो हमने कंपेयर कर लिया कि दोनों का सिलेबस अलग है। स्ट्रैटेजी पहली बात तो बिल्कुल सेम इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि डिफरेंट सब्जेक्ट की हमें पढ़ाई करनी है, ज्यादा पढ़ना है इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन अगला सवाल आता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या होता है। तो आईआईटी जैम के एग्जाम के बारे में अगर आप कहोगे इस बार पेपर टफ आया, इस बार इजी आया, तो वो टफ और इजी जो कंपैरिजन है वो कभी भी आईआईटी जैम का आईआईटी जैम के ही साथ कंपैरिजन है। आप आईआईटी जैम का सीयूटी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो जब आईआईटी जैम का सबसे इजी पेपर आया होगा उसे भी अगर सीयूटी के सबसे टफ पेपर से अगर आप कंपेयर करोगे तो आईआईटी जैम वाला ही ज्यादा टफ रहेगा। ठीक है, तो मतलब आईआईटी जैम और सीयूईटी में जो बेसिक डिफरेंस है, जो क्वेश्चन पूछने के नेचर में डिफरेंस है वो क्या है कि आईआईटी जैम में जिस सेगमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े डेप्थ में जाकर पूछे जाते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, डेप्थ में जाना है, कैलकुलेशन बेस्ड, तो दो बातें हुई यहाँ पे। लेकिन सीयूईटी के जो क्वेश्चन होते हैं, पहली बात टॉपिक भले ही ये ज्यादा से ज्यादा कवर कर लेते हैं बट डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाते ये, तो इन डेप्थ स्टडी की वहां जरूरत नहीं होती। वहां पे क्या जरूरत है कि जो भी टॉपिक यहाँ पे दिया गया है ना, सीयूईटी पढ़ने का तो बेस्ट तरीका क्या होगा कि जो भी टर्म्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं तब की बात कह रहा हूँ, अगर आप कोचिंग ले रहे हो, क्लासेस ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको गाइडेंस मिलेंगी। अगर आप फिर भी सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो तो आप क्या करो कि जस्ट यहाँ पे टॉपिक्स देखो, ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स है, अबेलियन ग्रुप्स है, नॉन अबेलियन ग्रुप्स है, और टॉपिक देखकर उस टॉपिक का जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब ग्रुप दिया गया, अबेलियन ग्रुप दिया गया, तो उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। अगर इतना इतना भी हर जगह जो टॉपिक दिए गए हैं ना, सबका जो भी नाम, नए नए टर्म्स दिए गए हैं, उस टर्म्स को देखो, उसके डेफिनेशंस को देखो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स लगा लो, अगर इतना आप कर लेते हो थ्रू आउट सिलेबस तो सीयूईटी पीजी आप गारंटी से क्वालिफाई करोगे। लेकिन वहीं अगर आईआईटी जैम की बात करें तो जितने भी टर्म्स भले ही सिलेबस दिखने में कम दिया गया है आपको, लेकिन वहाँ डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, थोड़े अच्छे से पढ़ना है वहाँ पे आपको, बस डेफिनेशन देख लिया, एक तो छोटे मोटे एग्जांपल लगा लिए तो उससे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। हाँ, एक चीज सिमिलर रहेगा दोनों एग्जाम की तैयारी में कि आप दोनों ही एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे, उसके बाद टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ये चीजें सेम रहेंगी। तो ये तो आउटर लेवल की चीज है, बट एग्जाम के इनर लेवल की चीजें देखी जाए तो सिलेबस भले ही सीयूटी में ज्यादा है बट इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। आप सारे टर्म से इंट्रोड्यूस्ड रहो, छोटे मोटे एग्जांपल करके रहो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आईआईटी जैम में सिलेबस दिखने में थोड़ा कम है लेकिन डेप्थ, इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत है। सीयूईटी वाले में क्या है कि आप जिस किसी यूनिवर्सिटी से या जिस किसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से आप बैचलर डिग्री कर रहे थे, वहां पे जो टेक्स्ट बुक या जो बुक आप पढ़ रहे होंगे, आप उस बुक से भी आपका काम चल जाएगा, ऐसे कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं। अलग बात है कि अपने लेवल को बेहतर बनाने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, अलग बात है कि हम तैयारी कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना आईआईटी जैम के लिए तैयारी करें, बेहतर से बेहतर के लिए तैयारी करें। बट अगर बात कंपैरिजन की आएगी तो ऑब्वियसली दोनों की तैयारी की स्ट्रेटजी अलग है। तो ये चीज अभी तक आप दोस्तों को क्लियर हो चुकी होगी, तो आज के सेशन में मेरा टारगेट यही चीज बताना था आपको। अब एक और चीज, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, एक वो चीज भी मैटर करेगा, उस हिसाब से भी आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड होती है ना। तो वो चीज भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे बात किया जाए पेपर एनालिसिस की, तो पेपर एनालिसिस देखोगे तो आप देखो, आप 2023 की बात कर लेते हैं, रियल से 13 क्वेश्चन है, लीनियर से 13 है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से कितने हैं, 9 क्वेश्चन है, इंटीग्रल से 5 है, वेक्टर कैलकुलस से 12 है। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल जाता है कि किस सेगमेंट में किस चीज को ज्यादा भाव देना है ना। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो तो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं ना। अब चलो यही मैं ले चलता हूँ आपको आईआईटी जैम में, आईआईटी जैम में आओगे मैथमेटिक्स में आ गए, अब हम लोग चलेंगे पेपर एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ आप रियल एनालिसिस का देखोगे तो यहाँ पे हर सेगमेंट से कितने कितने क्वेश्चन है उसको ऐड किया जाए तो 3, 7, 10, 17, 20, 23 क्वेश्चन जो है यहाँ पे रियल एनालिसिस से हैं। तो 2023 का देखोगे तो 4, 3, 7, 8, 15, 2, 17, 4, 21, 23, 4, 27 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी वो सब्जेक्ट डोमिनेट करता है। तो ये चीज आप देखोगे कि आप हायर मैथमेटिक्स में जब जा रहे होगे, चाहे आप नेट की बात करो, सेट की बात करो, आईटी जैम, किसी में एंट्रेंस एग्जाम की बात करो, तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये आपको डोमिनेट करता हुआ मिलेगा। तो इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकियों को भी पढ़ना है बट एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो दोस्तों ये था ओवरऑल डिस्कशन कि दोनों की तैयारी हमें कैसे करनी है। कंक्लूजन ये है, आईआईटी एग्जाम में जो भी टॉपिक है उसे आप लो और उसे इन डेप्थ पढ़ो। अगर आप सिर्फ सीयूटी पीजी टारगेट करने की बात कर रहे हो तो सिलेबस आप पूरा कवर करो और इंट्रोडक्टरी लेवल पे चीजें अगर आपको पता हैं तो आपके एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाइड। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही। इसके अलावे अगर आपने आईएफएस की ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे जरूर इंस्टॉल करें। अभी आपने देखा भी जिस तरह से वेबसाइट पर मैं आपको चीजें बता रहा था उसी तरीके से ऐप पे भी बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लाइक प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, रैंकर्स स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर्स हैंडआउट, पीवाईक्यू, पेपर एनालिसिस, अभी दिखाया ही मैंने आपको, कट ऑफ भी वहां पे अवेलेबल है। चाहे आप एंड्रॉइड यूजर हो चाहे आईओएस यूजर, आप स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फोन नंबर डाल के रजिस्टर करके फटाफट से आप उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे और इस तरह से कई इन्फॉर्मेटिव चीजें लेकर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।